तो अगर आप WhatsApp यूजर हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जो WhatsApp से चैट करते हैं वह चैट कहीं सेव भी हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके चैट कौन देख रहा है और कहां पर शो हो रहे हैं। यहां पर WhatsApp अब बहुत कुछ बदल चुका है। WhatsApp में 2022 में WhatsApp में सबसे ज़्यादा अपडेट आए हैं और बहुत कुछ आए हैं और आपको पता ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा कि आप जो चैट करते हैं वह चैट कहाँ पर सेव हो सकते हैं और आपने ही उनको परमिशन दे रखी है जिससे आपके चैट सेव हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, तो यह आप कैसे जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही तो बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है और यहां पर चैट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको जो साइड में थ्री डॉट्स हो रहे हैं आपको इसी पर क्लिक कर देना है और यहां पर सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा जिससे आपको समझने आए। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट वाला, तो आपको यहाँ पर चैट पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन जोड़े गए हैं बैकअप टू गूगल ड्राइव और गूगल अकाउंट का। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बैकअप अप टू गूगल ड्राइव, तो आप इसको हमेशा नेवर पर सिलेक्ट करके रखें। और यहाँ पर जो अगला अकाउंट है, अगला फीच ऑप्शन है वह है गूगल अकाउंट का, तो आप यहाँ पर हमेशा नन फ्लेक्टेड रखें, यानी आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी बनी होती है वह कभी कभी आपसे गलती से सेट हो जाती है यहाँ पर और आपको पता ही नहीं होता। जैसे मेरे यहाँ पर कोई जीमेल आईडी लिंक नहीं है और यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर यहाँ पर आपके कोई जीमेल आईडी ऐड है, यहाँ पर आपको कोई शो हो रही है गूगल अकाउंट में, तो आप जो भी चैट कर रहे हैं उसका जो डाटा है वह यहाँ पर सेव हो रहा है, तो आप उसको यहाँ से नन फ्लैट कर पर रखें। यहाँ पर आप अगर सेव नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर नन फ्लैट पर क्लिक करके रखना है। तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, तभी मैंने यह वीडियो बनाई थी कि अगर आप अपना चैट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, आपका चैट कहाँ पर शो हो रहा है। तो आई होप कि अब आप जान गए होंगे कि जो WhatsApp में जो बैकअप वाला जो परमिशन मांगता है बार बार, तो वह क्या है। वह यहाँ पर यही है कि अगर आप अपने चैट को सेव करना चाहते हैं जीमेल आईडी में, तो आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं इस प्रकार गूगल ड्राइव में। तो आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।